माँ, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत फेक है वो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब देखो तू शौर्य की बुराई क्यों करता रहता है? वो सिर्फ करण लूथरा का बेटा है और कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हर वक्त उसके लिए इतना नेगेटिव क्यों बोलते रहता है? जब देखो उसके लिए कुछ ना कुछ गलत ही बोलते रहता है, और मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ उसके लिए। ऐसा समझ कि जैसे तेरा छोटा भाई है राजवीर। राजवीर, मुझे पता है कि तू सो नहीं रहा है, मैं जानती कि तू उठा हुआ है, और ये भी जानती हूं कि तू मुझसे नाराज है। मैंने जो कहा उससे तू हर्ट हो गया, लेकिन सच्ची बताऊं, तुझे हर्ट करके मैं ज्यादा हर्ट हो गई। प्लीज अब उठ जा, देख मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे। सॉरी। आई एम सॉरी, एक्चुअली गलती मुझसे हो गई। मैं जानती हूँ कि तेरा और शौर्य का बॉन्ड अलग है ना? तुम दोनों एक दूसरे को एक अलग नजरिए से देखते हो, और मैं तुझे फोर्स कर रही हूँ कि तू मेरे नजरिए से शौर्य को देख। तो गलती तो मेरी हुई ना? नहीं माँ, आप सॉरी मत बोलिए। एक्चुअली मुझे समझना चाहिए कि आप शौर्य के लिए क्यों फील करती है और उसे इतना मानती क्यों है। तो तू समझता है? अगर समझता है तो ये भी समझ जा कि मैं वाकई चाहती हूँ कि अभी तू पेट भर के खाना खा ले। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है? क्योंकि मैं माँ मासी हूँ, और मासी भी तो माँ होती है, और माँ को सब पता होता है। मेरी माँ होके भी उन्हें पता नहीं कि वो मेरी माँ है, लेकिन फिर भी मुझे अपना बेटा मानती है, एकदम माँ जैसे ट्रीट करती है, चाहे मेरे लिए या शौर्य के लिए। क्या कर रहा है यार? घर से बाहर निकल रहेगा क्या? और क्यों कर रहा है ये सब? डैड घर पर ही, उन्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि क्या है? हाँ, तुझे पता है ना मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है, तू मुझे तेरे डैड के एक्सक्यूज़ दे रहा है? व्हाट द हेल सैंडी, हद है। मैंने ना बोला है क्या? करूंगा ना, बट कैसी हेल्प? पल्की, मुझे पल्की चाहिए। सैंडी, तू ये बात समझ नहीं रहा, मुझे पल्की किसी भी हाल में चाहिए, और उसे पाने के लिए उस राजवीर को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना होगा, और ये बात तू अच्छे से जानता है। आई हैव अ प्लान एंड यू आर गोना हेल्प मी। हम राजवीर को ड्रग्स केस में हमेशा के लिए फंसा देंगे। ओह, तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? ये कितना रिस्क है, और याद है पिछली बार क्या हुआ था? मैं नहीं कर रहा यार, सुन मेरी बात। तू मुझे नहीं बताएगा कि तू मेरे लिए ये करेगा कि नहीं, मैं तुझे बोलूंगा कि तू मेरे लिए ये करेगा, एंड दैट्स सिंपल एंड क्लियर। कौन है? तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया? मैं क्या कर रही हूं? तुम नीचे। अरे ये क्या तरीका है बुलाने का? बल्कि बल्कि घर पर सब लोग सो रहे, मैं भी सो रहा था। वो तो मैंने फिगर आउट कर लिया, क्योंकि तुम मेरे कॉल्स आंसर नहीं कर रहे हो। अरे वो मेरा फोन साइलेंट पे।
नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पलकी मैं अभी कैसे नीचे आ जाऊं? घर पर सब लोग हैं, सो रहे, जाग जाएंगे। नहीं आओगे? कल 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 आता हूं। ओके फाइन, गुड नाइट। तुम गुस्सा हो गई हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी? तुमने ऐसा कोई काम थोड़ी किया है। आराम से जाओ, जा के सो जाओ। गुड नाइट। ओके, कल बात करते हैं। गुड नाइट। मैं कॉल करता हूँ। अब बोल, करेगा कि नहीं? करूंगा करूंगा ब्रो। ब्रो, तुझे रमन याद है? हाँ। रमन को कॉल करता हूँ, वो अपने को दिलाएगा ड्रग। Not bad. हेलो रमन। हाँ मैं सैंडी बोल रहा हूँ, एक मिनट सौर्य से बात कर। हेलो। हाँ मैं तुम्हें इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे ड्रग्स चाहिए, और इतनी क्वांटिटी में कि लगे कि बेचने के लिए लिया है। इसके लिए चाहिए? और कौन बेचने वाला है? उसी के लिए जिसके लिए लास्ट टाइम लिया था। फिर से कोशिश करना है? इस बार कोशिश नहीं होगी रमन, इस बार तीर निशाने पे लगेगा। इस बार हम उसे जेल भेज के ही रहेंगे, बचेगा नहीं वो। भाई इसके लिए ना अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तू दाम बता रमन। 50 लाख रुपए। ड्रग्स रेडी रखना, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। ओके डन। ऑसम। कितने मांग रहा है? 50 लाख। 50 लाख? तू कहां से लाएगा? इस शहर के सबसे अमीर बाप की अमीर औलाद हूं बेटा, दी करण लूथरा का बेटा, दी शौर्य लूथरा। मैं पलकी के लिए अपने घर में चोरी करूंगा। हाँ? राजवीर की बर्बादी वहीं से शुरू होगी। ये पलकी बिना मैं तुम्हें कॉल तो कर रहा था, कोई देख लेगा। अब ना मेरा भी फोन साइलेंट पर है। पलकी लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? अभी बताती हूँ तुम्हें। ऊपर आओ। आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। पलकी हो क्या गया तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ है तुम मुझे पूछ रहे हो? क्या हुआ है? तुम ना, तुम वैसे तो कहते हो दैट यू लाइक मी, मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हूँ, बट तुम्हारा बिहेवियर देख के लगता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने वायने रखती हूँ। यू डोंट केयर अबाउट मी। अरे बाप रे, तुम्हें गुस्सा भी आता है? मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ, कैसा सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तुम गुस्सा ही तो कर रही थी, डांट रही थी मुझे। वो सब याद है तुम्हें? तुमसे रिलेटेड सारी बातें याद है मुझे। राजवीर यार, किससे बात कर रहा, सोने देना यार। मुझे पता है कि तेज बात नहीं करनी।
क्या कह रही थी तुम? हाथ उठाओ। नहीं, तुम कुछ कह रही थी। हाँ, बाल छोड़ो। कहो। हाथ उठाओ। नहीं, आप तुम कुछ कह रही थी। वो तुमने कहो यार। राजवीर यार, सोने देना यार। पलकि, ये मोहित उड़ गया ना तो सबको बता देगा कि हम दोनों यहाँ पर हैं। हमें कहीं दूर जाकर बात करनी होगी। किचन में चले, किचन से किसी को भी हमारी बातें सुनाई नहीं देगी। चलो चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कब से नीचे बुला रही हो? तुम नीचे नहीं आ सकते? अगर किसी ने मुझे देख लिया होता तो क्या हो जाता? और एक बात बताओ, तुम लूथरा हाउस से चले गए, वो मुझे बताया तक नहीं। क्या? क्या? क्या क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ? तुम ना ऐसे ही करते हो। जब भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है या बात मेरी प्रॉब्लम की होती है ना, तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट्स ओके, तुम ना ये जो शॉक रिएक्शन दे रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। अरे नहीं, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा बुद्धू कैसे हो सकता हूँ कि इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तुम सार्कास्टिक हो रहे हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। तो मेरा मजाक उड़ा। अरे ठीक है, उड़ाओ मेरा मजाक, क्योंकि मैं ही तो स्टूपिड हूँ ना जो इतनी रात में ऊपर आई तुमसे बात करने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा। बट इट्स ओके, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुम्हारे सामने में मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है। तुम, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं हुई कौन तुम्हारी? राइट, नाराज हो रही हो? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? नाराज हूँ? तुम मुझसे नाराज नहीं होगी तो मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे? मेरी किसी भी बात से नाराज होने का पूरा पूरा हक है तुम्हारा, तो ये हक जताया करो। अच्छा लगता है तुम्हारा ये हक जताना। आई एम रियली सॉरी। आज के बाद ये गलती ना कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी। मैं किसी भी फंक्शन पे जाऊंगा, किसी भी फंक्शन से निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। डील? बैठो। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की व...
वजह मिल गई है, रब हो गया है मेहरबान। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो हो गया। ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो हो गया। पलकी पुत्र, बुआ जी, शिमला मिर्ची, शिमला मिर्च लेने आई थी। थैंक यू राजवीर, थैंक यू बुआ जी, सॉरी। शिमला मिर्च इतनी रात को? उसे पाव भाजी बनानी थी ना। मैं जाकर सोता हूँ। पाव भाजी, और ये सिखा रहा होगा। चीज यही होगी। डैड मुझे देख ना ले। कौन है? ओह नो, कीज तो मैंने वहीं छोड़ दी। गया मैं, अगर अब डैड ने देख लिया तो मैं गया। बच गया, अब जल्दी करना होगा इससे पहले कि डैड बाहर आ जाए। आवाजें कैसी आ रही? क्या हो गया मुझे? माँ, मैं निकल रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। एक मिनट रुक जा। वो मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज तू वो वर्क फ्रॉम होम कहते हैं ना, वो कर ले और कहीं ना जाए। माँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अर्जेंट भी है, और एंड टाइम पर उन्हें नहीं कह सकता कि मैं नहीं आऊँगा, जाना पड़ेगा। माँ रुक जाना, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि आज का दिन इतना अच्छा नहीं है, और हम घर पर स्पेंड करते हैं ना साथ में, तू एक दिन छुट्टी ले ले। माँ सब कुछ ठीक है, और 11 बजे की मीटिंग है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा। माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा,
ठीक है? इम्पोर्टेंट है पर चलो माँ मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है, जल्दी आ जाऊंगा पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस, बाय। राजवीर मेरी बात तो सुन, वो अब उसे क्या बताओगे? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कि आज का दिन अच्छा नहीं है। हेलो हेलो रमन। हाँ 11 बजे तक ऑफिस आ जाना पूरा माल लेकर, पैसे तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ओके ओके बस पहुंच ही रहा हूं। हाय रब्बा, ये लड़का देखो आवाज नहीं आ रही है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ बैठा है फिर भी। ए, माम मैं बस उठने वाला था तब तक आप आ गए। आलसी कहीं का, जानती नहीं मैं देखो। अरे आलसी कहाँ, मैं अपने प्यारे माँ के हाथ की चाय पी रहा हूँ, उसमें आलसी कहाँ। चुप कर। क्या हालचाल? अरे मेरा बच्चा कहाँ थे इतनी देर से? तू दरवाजा नहीं खोल सकता है क्या? चाय पी रहा हूँ यार। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, ये तो आलसी एक नंबर का। उतर ये रोके की कल की कितनी सारी मिठाइयाँ बची है, जाके मोहल्ले में बांटा है। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो क्यों जाएंगे देने के लिए? मैं हूँ ना, मैं इनका भाई हूँ ना, मैं दे दूंगा। अरे तुम लोग जाके चिल करो, जाओ। देखो भाई प्रेम जाग गया अचानक से। दरवाजा तो खुलता नहीं है, भाई प्रेम जाग रहा है। एनीवे ये सब मिठाई बिठाई छोड़ो अब। एनीवे वो राजवीर घर पे होगा ना, वो लूथरा हाउस जा रहा होगा, उसको बोला मुझे भी ड्रॉप कर देगा, मुझे भी जाना है। नहीं है घर पे तो है ही नहीं। हाँ वो एक्चुअली हुआ ये ना कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया ऑफिस में तो वो वहां पर गया। अरे पर पलकी तो बोल रही थी कि वो घर पे मिलेगा, वो घर पे नहीं है, ऑफिस चला गया। ठीक है इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट बात है? आई अंडरस्टैंड, ऐसे तो कहता है कि 24 घंटा दिमाग में रहती हूँ। अगर 24 घंटा दिमाग में रहती हूँ तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं है कि एक मैसेज ही कर दे कि कहाँ जा रहा है। इसको क्या हुआ है? प्यार। करेक्ट। क्या असर है? बुआ जी मैं आई। पलकी तू राजवीर के प्यार में